भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच खेलने के लिए सोमवार को बर्मिंघम पहुंच चुकी है। यह पिछले साल हुई पटौदी ट्रॉफी सीरीज का रीशेड्यूल टेस्ट है, जो 1 जुलाई से एजबेस्टन में खेला जाएगा। पिछले साल की तुलना में अगर हम देखें तो इस बार टीम काफ़ी बदली हुई नजर आ रही है। टीम के नए कप्तान और नए कोच हमें देखने को मिलेंगे आखिरी टेस्ट मुकाबले में। एजबेस्टन टेस्ट से पहले भारत के सामने प्लेइंग 11 में 4 जुड़ी पहलियाँ हैं, जिन्हें लेकर टीम मैनेजमेंट को विचार करना होगा। इसमें ओपनिंग कॉम्बिनेशन से लेकर नंबर 3 के खिलाड़ियों को तय करने की चुनौती होगी। तो चलिए आपको बताते कि नंबर 3 और ओपनिंग जोड़ी के लिए भारतीय टीम किस खिलाड़ियों को प्लेइंग 11 में शामिल करेगी, उसके बारे में आपको बताते हैं इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि क्रिकेट के मैदान से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप सभी लोग को बता दें, रोहित शर्मा कोविड से रिकवरी नहीं कर पाए हैं और वो आखिरी और 5वां टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में शुभमन गिल के साथ ओपनिंग जोड़ीदार को लेकर पुजारा श्रीकर भरत मयंक के विकल्प हैं भारतीय टीम के पास। इसके अलावा हनुमान बिहारी का विकल्प है। पिछले न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज में शुभमन गिल के चोटिल होने के बाद पुजारा ने ओपन किया था भारतीय टीम की तरफ से। इसके अलावा महंग अग्रवाल स्पेशलिस्ट ओपनर भारतीय टीम के स्क्वाड में मौजूद हैं, पर उन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया इंग्लैंड दौरे पर। जैसा कि आप सभी लोग को बता दें, हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर गए रोहित शर्मा के कोविड पॉजिटिव आने के बाद इनको बुलाया गया है अर्जेंट में, पर इन्होंने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है। हालांकि भारतीय टीम बुलाई है, पर ओपन इनसे करवाती नहीं करवाती इसके चांसेस अभी भी नहीं दिख रहे हैं। और इसके अलावा श्रीकर भरत की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में 125 पारियों में से 77 बार टॉप ऑर्डर में खेला है, तो इनके पास भी विकल्प है। इन्होंने लीस्टर शायर और इंडिया का जो प्रैक्टिस मैच हुआ था वहां पर इन्होंने 70 और 43 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके अलावा हम देखें तो हनुमान बिहारी भी 2 बार भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग कर चुके हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय टीम के पास 4 विकल्प है जो शुभमन गिल के साथ ओपनिंग जोड़ी में शुरुआत कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें भारतीय टीम के बेस्ट ओपनिंग जोड़ी की, तो मयंक अग्रवाल का एक अच्छा विकल्प दिख रहा है। वो लगातार भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में ओपन भी कर रहे हैं, हालांकि उनके पास प्रैक्टिस का समय ज़्यादा नहीं है। वो अभी हाल ही में पहुंचे इंग्लैंड दौरे पर, तो ऐसे में क्या वो फिट रहेंगे इस मुकाबले के लिए, ये देखना दिलचस्प रहेगा। वहीं अगर हम देखें तो हनुमान बिहारी और श्रीकर भरत तैयार हैं पूरी तरह, जो ओपन कर सकते हैं भारतीय टीम की तरफ से। और पुजारा हमें 3 नंबर पर खेलते हुए देखेंगे, क्योंकि पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में काफ़ी रन बनाए और ये ज़्यादातर भारतीय टीम के प्लेइंग 11 में 3 नंबर पर ही खेलते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को 3 नंबर पर खिलाएगी, ओपन तो शायद ही कराए। वहीं अगर हम भारतीय टीम की ओपनिंग विकल्प की बात करें तो हमें ओपनिंग जोड़ी में शुभमन गिल के साथ महंक अग्रवाल फिट है पूरी तरह से या नहीं है ये देखना पड़ेगा। वहीं श्रीकर भरत और हनुमान बिहारी पूरी तरह फिट है। इन तीनों में से कोई एक खिलाड़ी हमें शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेगा। बाकी इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएं कि कौन सा खिलाड़ी शुभमन गिल के साथ आखिरी टेस्ट मुकाबले में ओपनिंग करना चाहिए भारतीय टीम की तरफ से। इसके ऊपर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।